हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। निर्मला द ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग, जहाँ भी रहिए मस्त और स्वस्थ रहिए। दोस्तों देख सकते हैं मेरे ब्लॉग में कि मैं अभी तो वीडियो शूट कर रही हूँ दोस्तों इस टाइम। देखिए दोस्तों, कहीं भी कोई भी जाता है फायदे के लिए जाता है, जाता है कि नहीं दोस्तों? तो पीछे वाली जो आई थी रीना ब्लॉग, जो है RS रीना ब्लॉग, पीछे वाली आई थी अपने फ़ायदे के लिए, ठीक ना दोस्तों? जब तुम अपने फ़ायदे के लिए आई हो तो तुम क्या चाह रही हो कि हम तुम्हारे हिसाब चले? हैं, मैं मगर मालकिन, मेरे रूम में तुम रह रही हो तो मैं तुमको तो मेरे हिसाब मेरे अनुसार ही चलना पड़ेगा। ना करने का मन है तो मत करो, साफ जवाब दे दो, है कि नहीं दोस्तों? ये ब्लॉग बनाकर डालने का क्या मतलब, चाहती क्या हो तुम? रजनी सालून, रजनी से मिलने का सपना है, गई थी रजनी थी नहीं, गई थी रास्ता रोड क्या क्या फलाना चिराना ठिकाना तो क्या क्या दोस्तों बोल रही थी वीडियो में, मैं सुनी हूँ, देखती हूँ और सुनेगी हूँ दोस्तों। तो रजनी सालू ऐसे ही मिलेगी? रजनी सारू तुम्हारे तरह अश्लीलता वीडियो नहीं बनाती थी, बनाई थी जाकर के बहुत उसके पास, गुड़िया गुरु गुड़िया के पास, समझ गई? तो तुम अपनी औकात में ही रहना। 70-72 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर है दोस्तों, बस टाइम नहीं पूरा हुआ है। जाओ ना रजनी सालू मिलने के लिए बुला रही हो, जाओ जाओ तुरंत, एकदम अपॉइंटमेंट लेटर देगी कि अरे भेजिए रीना ब्लॉग को। तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं दोस्तों कि कह नहीं सकते हैं। मैं सोची थी दोस्तों वो अपने फायदे के लिए सोची, तो मैं भी तो अपने फायदे के लिए ही सोची, है कि नहीं दोस्तों? तो कोई भी अपने फायदे के लिए ही सोचता है। तुम मेरे साथ वीडियो बनाने की बात कही तब ना हम तुम्हारे साथ वीडियो बना रहे हैं, तुम नहीं कहती तो नहीं बनाते, तुम कही कि हाँ दीदी हम बनाएंगे शॉर्ट वीडियो, गाना सब डाले हैं। देखो मेरे शॉर्ट वीडियो में गाना डाले हैं तो हम कॉमेडी नहीं डाले हैं, ये देखो कॉमेडी। मैं कॉमेडी में इसलिए घुस रही हूँ दोस्तों क्योंकि डांस में कुछ रहा नहीं दोस्तों। डांस में लोग और तो टाइम पास के लिए लोग देख लेते हैं कभी कभी, मगर ज़्यादातर तो कॉमेडी हंसी मजाक लोग ज़्यादा देखते हैं दोस्तों, ताकि मतलब मन हल्का हो और जो माइंड में जो दिमाग में जो चलता रहता है फुरपाती दिमाग इधर उधर की बातें वो ना हो, तो लोग ज़्यादातर कॉमेडी वीडियो देखकर अपना मन बहलाते हैं दोस्तों। अच्छे अच्छे लोग की कॉमेडी वीडियो देखकर हंसी छूट जाती है दोस्तों, है कि नहीं बताइए आप लोग? तो कॉमेडी मैं बनाने के लिए बोली, हम ये तो नहीं कहे कि तुम शॉर्ट ना बनाओ, तो बोल रही है कि गाना पे शॉर्ट बनाने के लिए नहीं बोल रही है, ये तो बात मैं बोली नहीं हूँ। मैं बोली हूँ कॉमेडी वीडियो पे काम करने के लिए बोले थे ना तुम लोग को, दोनों को ऐसी बोली हूँ दोस्तों, संध्या भी थी और वो भी थी रीना, दोनों को हम बोले कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए बोले, तो कह रही है आपके हिसाब से हम चलेंगे, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम रूम लेके रहने आए कि आपके हिसाब से चलने के लिए आए? ठीक हो तुम रूम लेके ही रहो भाई, नहीं मन बना तो तुम अपना वीडियो अपने रूम के ही अंदर बनाओ, बाहर नहीं बनाने देंगे हम छत पे। रजनी सालू नहीं हो तुम लोग कि तुम लोग को छूट देंगे, अब बना के देखो ना तब बताते हैं ना। अभी कल हम देखे हैं शॉर्ट वीडियो बना रहा था उसका हस्बैंड बाहर से, और गेट पे खड़ी होकर बना रही थी वीडियो, देखी हूँ, आने दो आ रही है वापस तो बताते हैं, बढ़िया से बताते हैं। अगर यहाँ से मेन गेट से लेकर के बाहर पीछे तक के और ऊपर छत पर तक के अगर किसी को हम देख लिए वीडियो बनाते हुए तो किसी की खैर नहीं, रहना है तो रूम में बंद करके बनाओ वीडियो और नहीं तो यहाँ से निकलो, समझ गए दोस्तों? मैं ऐसा करूँगी, मैं रजनी सालू नहीं छूट नहीं दूंगी। अरे रजनी सालू तो हमारे पर्चे की थी इसलिए दे दी थी, हैं? उसकी ननद, उसके ससुर, उसके ननद के ससुर
हमारे जेठ से बहुत काफ़ी अच्छा खासा, मेरे ससुर से अच्छा खासा पढ़ता था। उनकी माँ उनकी सासू माँ आती थी हमारे यहाँ छठ पूजा करने के लिए हमेशा। जब भी मैं छठ पूजा करती थी हाथ बटाने के लिए मेरे घर पे आती थी, तो उनसे हमको पुराना जान पहचान था, इसलिए मैं उन लोगों को दी थी रूम। ऐसे थोड़ी बिना जानकारी के थोड़ी ना मैं रूम दी थी, वो लोग बताई थी आते ही कि दीदी हम वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, हम वीडियो बनाएंगे, उससे कोई आपको इतराज नहीं है ना दीदी, तब मैं उसको दी थी। ऐसे थोड़ी ना मैं उसको रूम दे दी थी। अब तुम लोग एक फ़ोन करके आया और बात किया रूम के लिए, मैं भी बोल दी घुस गए डेढ़ घंटे में दोस्तों ये लोग खाली करके तुरंत चला आया। क्यों? क्योंकि वहाँ इन लोग को पट नहीं रहा था दोस्तों, कुछ तो ज़रूर दाल में काला था, तभी इन लोग दो घंटे में ही रूम खाली करके झटपट चला आया। तो कुछ तो बात होगा तभी तो दोस्तों, अन्य तो नौका विहार बगल में है, भी पार्क बगल में है, जो घूमने की जगह बगल में है, उस रूट को छोड़ करके इधर देहात के रूट में कोई आएगा तो ज़रूर तुम्हारे दाल में काला होगा, तभी तुम यहाँ छोड़ के आई हो। या फिर तो ये सोच के आई हो कि रजनी सालू यहाँ से ज़मीन मकान बना के निकले तो हम भी ज़मीन मकान बना के निकलेंगे, यही सोच के आई होगी। क्योंकि हमारे घर में बरकत है, हर एक किरदार आते हैं कुछ करके ही यहाँ से निकलते हैं। हमारे रूम में जो रहते हैं जो आते हैं वो हमारे रूम में रहते हैं, कुछ न कुछ करके ही निकलते हैं। तो या फिर तो यही देखी होगी वीडियो बना के, तो मैं डाली थी दोस्तों वीडियो कि हमारे घर में जितने किरदार आए हैं सभी लोग यहाँ से मकान बना के ही निकले हैं। तो वो तुम देखी होगी वीडियो के माध्यम से, तो सोची होगी कि ना चलते हैं वहाँ, हमारा भी तरक्की होगा। नियत रखोगी सही तब ना होगा तरक्की। नियत तो यहाँ था, लोभ से आई थी, अरे मकान मालकिन के साथ रहेंगे मिलजुल के वीडियो बनाएंगे, तो अब क्या हुआ? हमारा हस्बैंड वीडियो में भी बोल रहा है कि यहाँ आए थे हम लोग, एक संध्या नाम की लड़की है उसके साथ और मकान मालकिन के साथ, सोचे कि हम लोग साथ हैं मिलके तीनों लोग वीडियो बनाएगा, तीनों लोग का चलेगा, तीनों लोग अपना मिल के रहेगा। लोभ से आई थी तुम, समझ गए दोस्तों, लोभ से आई थी। यही नहीं देखती है कि समय क्या है, समय सुनाती है हमारे घर में सोल्जर लगा है, तीन तीन चार पंखा कूलर लगा के, तो तीन तीन चार पंखा लगा के जो सोएगा वो टुटली मोड़ैया में क्या करने आएगा, वही नहीं रहेगा। ऐसो आराम को जो जिंदगी जी रहा है वो बाहर शहर में क्यों भटक रहे हो? हाँ हम तो जानते हैं दोस्तों, ऐसो आराम का जिंदगी मिले तो हम तो कहीं न जाएं, सही बता रहे हैं दोस्तों, चाहे पटीदार हो या सास ससुर हो कोई हो, मैं तो कहीं न जाऊं। वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है।